नो फिश और एनिमल वर हार्म इन दिस वीडियो। इस वीडियो में किसी भी मछली या फिर किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो दोस्तों फाइनली बरसात का मौसम हमारे यहाँ पे आ चुका है और उसी के साथ साथ दोस्तों मेरा गप्पी फिश का ब्रीडिंग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो किस तरीके से मैं गप्पी फिश का ब्रीडिंग कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गप्पी फिश का फ्राई उठा सकूँ वो आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि गप्पी फिश का ब्रीडिंग ईजी है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई उठाना मुश्किल है, तो वो आज की इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही साथ दोस्तों डम्बो एयर प्लैटिनम डिटेल गप्पी में एक फार्म से लाने वाला हूँ F1 बैच का, तो वो कहाँ से लाऊंगा वो भी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों पिछले वीडियो पे आप लोगों को मैंने बताया था कि बेटा फिश को पहला खाना में क्या देने वाला हूँ फ्राई को, तो वो जो ब्राइन श्रिम्प मैंने हैच करने के लिए दिया था, आज दोस्तों वो ब्राइन श्रिम्प हैच हो चुका है। तो हैच होने के बाद दोस्तों ब्राइन श्रिम्प कैसा दिखता है और किस तरीके से आप लोग उसको खिला पाओगे वो सब कुछ बताऊँगा। किसी को ब्राइन श्रिम्प खरीदना है तो कहाँ से मिलेगा वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों जो एडल्ट गप्पी है, मतलब जो ब्रूडर गप्पी है मेल फीमेल, उसको कौन सा खाना खिलाने पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा उसके पेट में लोड होगा वो आप लोगों को बताऊँगा। जो लोग सोच रहे हो ट्यूबफ्लेक्स वाम, आप लोग गलत सोच रहे हो, वीडियो को पूरा देखो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहने वाला है, वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखना। और ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है ज़रूर से इस वीडियो में एक लाइक कर देना, 100 लाइक का टारगेट रहता है। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हमेशा दोस्तों इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं एडल्ट गप्पीज दिखा देता हूँ, जो जो टैंक पे मेरा गप्पीज है। तो सभी टैंक पे दोस्तों देख लो मैंने फुल प्लांटिंग कर दिया है, मतलब बहुत सारा लाइव प्लांट मैंने लगा दिया है ताकि कोई भी गप्पी इनकेस अगर इसमें बच्चा डाल देता है तो वो सब बच्चा जो है वो छुपने के लिए जगह मिल जाए। और फिलहाल दोस्तों जो गप्पी आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो एल्बिनो फुल रेड गप्पी है। और बहुत सारे लोग मेरे को भाई कमेंट कर रहे थे कि दादा आपने कहाँ से लिया, उसका एक वीडियो बनाओ। तो भाई उसका वीडियो मैंने बना लिया है पूरा दोस्तों, वीडियो एडिट भी कर लिया है, सिर्फ इस तरीके से जो वॉइस दे रहा हूँ उसी तरीके से वॉइस डालना बाकी है। तो कल दोस्तों मेरे ब्लॉग चैनल पे वीडियो आने वाला है। पहले दोस्तों वीडो फिश का वीडियो आएगा, वीडो फिश मैं कहाँ से लाया, अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, कहाँ फार्म से लाया हूँ, कितने प्राइस पे लाया हूँ। सेकंड दोस्तों ये रेड कलर का जो एल्बिनो फुल रेड गप्पी है उसका वीडियो आने वाला है, अनबॉक्सिंग कहाँ से लाया हूँ, प्राइस वगैरह सब कुछ बताऊँगा ओपनली। अगर हो सके दोस्तों सेलर से परमिशन लेके मैं सेलर का भी नंबर आप लोगों को दिला दूंगा। और दोस्तों ब्लैक जो गप्पी है, मतलब ब्लैक गप्पी बोल रहा हूँ, जो ब्लू मॉस्को है, ब्लू मॉस्को, हाँ ब्लैक गप्पी बोल रहा था, ब्लू मॉस्को जो गप्पी है दोस्तों वो भी कहाँ से लाया हूँ वो भी बताऊँगा। तो पूरा दोस्तों वीडियो का आप लोग देखते रहो। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा छोटा छोटा क्लिप में दिखा रहा हूँ जो कि मैं उस वीडियो में पूरा बताऊँगा, ब्लॉग चैनल का जो वीडियो है दोस्तों उसमें पूरा बताने वाला हूँ। और आप लोग सोच रहे हो कि ब्लॉग चैनल कहाँ पर मिलेगा, तो ब्लॉग चैनल दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट पर मैं पिन कर दूँगा ब्लॉग चैनल का लिंक, वहाँ पर जाके ज़रूर से सब्सक्राइब करना। और मेरे इस चैनल को भी दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब करना अगर आप लोग एक गप्पी लवर हो, क्योंकि दोस्तों गप्पी फिश का पूरा मैं फार्म रेडी करने वाला हूँ। 25 से 30 वेरायटी, मतलब 25 से 30 वेरायटी दोस्तों मैं अपने फार्म पे रखने वाला हूँ गप्पीस का। तो कौन कौन सा गप्पी मैं कहाँ कहाँ से ला रहा हूँ, किस तरीके से ब्रीड कर रहा हूँ वो सब कुछ दोस्तों इन डिटेल बताऊँगा। तो ज़रूर से दोस्तों मेरे इस चैनल को और ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप ही का फ़ायदा होगा, मेरा क्या भाई, मेरा वीडियो तो यूट्यूब पर रहने वाला है। जो लोग सब्सक्राइब करोगे वो लोग बहुत सारा चीज़ सीख जाओगे मेरे चैनल से, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और फिलहाल दोस्तों मैं ये सब मछलियों को ट्यूबफ्लेक्स वाम खिला रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बोल देता हूँ एक चीज़, ट्यूबफ्लेक्स वाम मछली को ज़्यादा मत खिलाना। क्यों दोस्तों? क्योंकि ट्यूबफ्लेक्स वाम ज़्यादा खिलाओगे तो मछली में फैट जो है वो पेट में जमा हो जाएगा, और मछली में अगर एक बार फैट जमा हो गया तो बच्चा कम देगा। तो आप लोग क्या खिलाओगे? आप लोग दोस्तों डाफनिया खिलाओ, डाफनिया सबसे बेस्ट होगा। डाफनिया का क्या अल्टरनेटिव है दोस्तों वो भी वीडियो में आगे बताऊंगा, पूरा देखते रहो वीडियो को, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों ये जो ब्लू मॉस्को गप्पी है, जिसको मैं ब्लैक गप्पी बोल रहा था पहले, तो ये दोस्तों ब्लू मॉस्को गप्पी है, मैं गलती से ब्लैक गप्पी बोल दिया था, क्योंकि एक्चुअल में ये ब्लैक जैसा दिखता है मगर जब धूप गिरता है तो ये ब्लू, मतलब रॉयल ब्लू कलर का थोड़ा सा इसमें शेड आता है, तो इसीलिए इसको ब्लू मॉस्को बोला जाता है। तो इसका भी दोस्तों पूरा अनबॉक्सिंग पूरा सब कुछ वीडियो में ब्लॉग चैनल पर डालूंगा, अलग से डालूंगा, ठीक है। टोटल दोस्तों 3 वीडियो एक दिन छोड़ छोड़ के मेरे ब्लॉग चैनल पे आएगा। कल दोस्तों वीडो फिश का वीडियो आने वाला है एक दिन छोड़ के दोस्तों, रेड गप्पी जो है एल्बिनो फुल रेड गप्पी उसका वीडियो आने वाला है, उसके बाद दोस्तों एक दिन छोड़ के ये ब्लैक गप्पी का वीडियो आने वाला है। तो टोटल दोस्तों एक दिन छोड़ छोड़ के पूरा हफ्ता जो है वो गप्पी फिश का और वीडो फिश का वीडियो आएगा, कौन से फार्म से लाया हूँ,
कैसे दोस्तों वो दादा ने मेरे को चुन चुन के मछली दिया, कितने प्राइस पे लाया हूँ। अगर दोस्तों वो लोग परमिशन देता है तो उन लोगों का फ़ोन नंबर भी आप लोगों को मैं दिला दूंगा, ठीक है। तो उन लोगों से आप लोग भी मछली ले पाओगे। और हाँ, ये सब जो मछली देख रहे हो दोस्तों इम्पोर्टेड वेराइटी का F1 बैच है, मतलब दोस्तों डायरेक्ट इम्पोर्टेड नहीं है, इम्पोर्टेड करके दोस्तों एक बार बीट किया गया है। एक बार बीट करने के बाद दोस्तों जो बच्चा बड़ा हुआ है वही बच्चा मेरे को दिया गया है। तो ये दोस्तों बच्चा जो है वो क्वालिटी इसलिए इतना अच्छा है। और वीडियो फिश दोस्तों अभी मैंने मेल फीमेल अभी तक अलग नहीं किया है, मेल फीमेल दोस्तों पहले अलग करना पड़ेगा 10 दिन तक, उसके बाद बीडिंग करना पड़ेगा। तो बीडिंग बैठाऊंगा दोस्तों, हमारे यहाँ पे बारिश जो है वो स्टार्ट हो गया है। और हाँ दोस्तों, शिपमेंट के बारे में बात करना है आप लोगों से, तो शिपमेंट के बारे में दोस्तों आप लोगों को वीडियो के एंड पे बताने वाला हूँ कब से दोस्तों मैं डिलीवरी स्टार्ट करूँगा, क्या कुछ सीन है दोस्तों वो सब कुछ वीडियो के आप लोगों को एंड पे बात करके सब कुछ समझा दूँगा। फिलहाल दोस्तों मैंने एक जो फीमेल है वो मेरे को दिखा दिया था, पूरा अंडों से भरा हुआ है, अंडों से नहीं बच्चों से, क्योंकि ये तो मतलब लाइव बेयरर मछली है, डायरेक्ट बच्चा देता है। तो एक जो फीमेल है दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब उसका पेट जो है फूला हुआ है, तो वो फीमेल मेरे को जो लगता है दोस्तों 3-4 दिन के अंदर बच्चा डाल देगा, क्योंकि उनका जो गॉनपोडियम स्पॉट है वो दिख रहा है। अब ये गॉनपोडियम स्पॉट दोस्तों क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आप लोग दोस्तों गप्पी फिश या फिर मौली फिश जो सब मछली डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है, मतलब अंडा नहीं देता है डायरेक्ट बच्चा देता है, वो सब मछली के पेट में एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिखेगा, वो स्पॉट जितना ब्लैक होगा वो मछली उतना जल्दी बच्चा दे देगा। तो वो देख के मेरे को पता चल गया है कि ये गप्पी जो है वो 2-3 दिन के अंदर जो है वो बच्चा पूरा छोड़ देगा, तो इसीलिए मैंने सब कुछ अलग करके रखा है। और उसके साथ दोस्तों देखो मैंने ये मेल को भी छोड़ के रखा है। अब देखो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा कि ब्लू मॉस को इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ब्लू कलर का शेड भी आता है, तो इसीलिए इसको ब्लू मॉस को बोला जाता है। और फीमेल भी दोस्तों मैंने उसी के साथ छोड़ के रखा हूँ, क्योंकि मेल के साथ मतलब शेर पर शेर फीमेल को मैं अगर एक टैंक पे छोड़ के रखूँगा तो वो अकेला हो जाएगा, तो अकेले में दोस्तों आपको भी पता है थोड़ा सा मतलब मछली जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है, कोई भी मछली ठीक है, बेटा फिश वगैरह छोड़ के या गप्पी वीडो या फिर मौली ये सब मछली को आप लोग अगर झुंड पर रखोगे मिनिमम 5 से 7 पीस मछली मिनिमम आप लोग रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए दोस्तों फीमेल को कंपनी देने के लिए मैंने एक मेल को उसके साथ छोड़ के रखा है, ताकि फीमेल जो है वो स्ट्रेस में ना चला जाए। ज़्यादा मेल डालूंगा मतलब एक के बदले में 2-3 मेल डाल दूंगा फीमेल के साथ, तो वो फीमेल को तंग करेगा, मतलब समझ सकते हो। और अगर दोस्तों मैं ज़्यादा फीमेल डाल दूंगा उसको कंपनी देने के लिए, तो फीमेल जो है वो बच्चों को ही खा जाएगा, कोई फीमेल ने अगर बच्चा दिया है तो दूसरे बच्चों मतलब दूसरा फीमेल जो है वो खा लेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैंने एक ही सिर्फ मेल को डाला है, ताकि फीमेल स्ट्रेस में ना जाए और फीमेल जो है वो अच्छे से बच्चा डाल दे। और फिलहाल दोस्तों ये जो टोकरी देख रहे हो ये मैं खरीद कर लाया था, 15 रुपये दोस्तों मेरे से लिया है दुकानदार ने इसके लिए। और इसमें दोस्तों ट्यूबफ्लेक्स वाम मैं डाल के खिला रहा हूँ, क्योंकि नीचे अगर डायरेक्ट मैं ट्यूबफ्लेक्स वाम डाल रहा हूँ ना, तो मेरा जो प्लांट का जो मिट्टी है उसमें ट्यूबफ्लेक्स वाम जा रहा है, तो ट्यूबफ्लेक्स वाम वेस्ट हो रहा है, इसीलिए 15 रुपये दे के मैंने वो खरीद लिया है। और दोस्तों आप लोगों को ब्रांच सिम दिखा देता हूँ, बहुत सारे बेटा लावारा भी मेरे ऊपर गुस्सा हो कि भाई बेटा फिश को छोड़ के गप्पी फिश का वीडियो बना रहे हो, तो भाई बेटा फिश का भी वीडियो मैं डालूंगा ठीक है। कुछ दिनों से लगातार बेटा फिश का वीडियो आ रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा गप्पी फिश के ऊपर मेरे चैनल को शिफ्ट किया है। कुछ दिन दोस्तों गप्पी फिश का वीडियो आएगा, ऐसा नहीं है कि बेटा फिश का वीडियो नहीं आएगा। नीमो कैंडी ओईचएम के साथ नीमो कैंडी प्लाकेट का बीडिंग का वीडियो दोस्तों मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना, 2-3 दिन के अंदर वो वाला वीडियो भी अपलोड हो जाएगा दोस्तों ठीक है। आप लोग देखते रहो चैनल में, सब कोई दोस्तों एक एक करके वीडियो लाऊंगा। फिलहाल दोस्तों आप लोग देखो ब्रायन स्ट्रीम जो है वो 24 घंटे में हैच हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ब्रायन स्ट्रीम आखिर है क्या, जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है पिछला वाला वीडियो जाके देख लो, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में दिखाया है हैच किस तरीके से करना है सब कुछ। आप लोगों को मैं जूम करके दिखा देता हूँ, देखो दोस्तों ब्रायन स्ट्रीम कैसा दिखता है, आप लोग जूम करके मैं दिखा रहा हूँ देख लो, पूरा दोस्तों छोटा छोटा जो कीड़ा जैसा होता है ऐसा ही दोस्तों दिखता है। और ये जो ब्रायन स्ट्रीम है दोस्तों मछली के लिए सबसे छोटा वाला खाना है। ब्रायन स्ट्रीम के ऊपर दोस्तों है मोइना, मतलब ब्रायन स्ट्रीम से थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है मोइना, और सबसे बड़ा साइज़ का होता है डाफनिया ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता है ट्यूबफ्लेक्स वाम, बहुत बड़ा साइज़ का होता है। तो सबसे छोटा वाला मछली को दोस्तों ब्रायन स्ट्रीम खिलाया जाता है, धीरे धीरे जब उसका उम्र 10 दिन हो जाता है उसको मोइना खिलाया जाता है, उसके बाद दोस्तों 20 दिन के बाद डाफनिया, 30 दिन के बाद उसको डायरेक्ट ट्यूबफ्लेक्स वाम काट काट के खिलाता हूँ, बेटा फिश की बात कर रहा हूँ ठीक है। उसके बाद दोस्तों पूरा जो ज़िंदगी है ट्यूबफ्लेक्स वाम के ऊपर ही रखता हूँ। गप्पी फिश से फ्राई को क्या खिलाना है, मतलब गप्पी फिश का बच्चा जब देगा वो बच्चों को क्या खिलाना है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बार बार बोल रहा हूँ भाई सब्सक्राइब करोगे तो फ़ायदा आप लोगों का है, मेरा क्या भाई, चैनल तो मेरा मतलब यूट्यूब पर रह जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आप लोग बहुत सारा चीज़ें सीख जाओगे।
तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बेटा फिश का फ्राई दिखा देता हूँ। जो सब बेटा फिश फ्राई को मैं खाने के लिए देने वाला हूँ ब्राइन श्रिंप, तो यहाँ पे आप लोगों को शायद अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं अपना जो मोबाइल का फ्लैश लाइट है वो आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ब्राइन श्रिंप है, ब्राइन श्रिंप देने के बाद आप लोगों को अच्छे से दिखेगा कैसा कैसा फ्राई है। तो सबसे पहले दोस्तों ब्राइन श्रिंप को मैं अच्छे से पानी में घोल लूँगा, क्योंकि नीचे की तरफ ब्राइन श्रिंप चला गया था, मेरे पास अभी कोई ड्रॉपर वगैरह नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्ट हाथ से ही ब्राइन श्रिंप को आप लोग मतलब दे रहा हूँ मछलियों को। आप लोगों के पास अगर कोई ड्रॉपर या फिर कोई सिरिंच टाइप का कुछ होगा उसके आप लोग देना, तो पानी में ज़्यादा हलचल नहीं होगा, पानी अगर ज़्यादा दोस्तों डिस्टर्ब होगा तो बेटा फिश का फ्राई जो है वो मर जाएगा। तो आप लोग कोशिश करना पानी में कम से कम हलचल करने का, ठीक है, छोटा सा ड्रॉपर से बूंद बूंद करके देना, तो मछली कोई डैमेज नहीं होगा, मछली मरेगा भी नहीं। तो देखो दोस्तों मैंने खाना जो है वो दे दिया है ब्राइन श्रिंप, और उसी के तुरंत बाद दोस्तों देखो सभी फ्राई जो है वो लाइट की तरफ आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ब्राइन श्रिंप क्या है, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब लाइट की तरफ दौड़ता है देख के ही लाइट को। तो उसी के लिए दोस्तों अभी जो ब्राइन श्रिंप है वो इधर लाइट की तरफ आ रहा है, और ब्राइन श्रिंप के पीछे पीछे जो मछली है फ्राई बेटा फिश का वो भी आ रहा है। तो हमारे बांग्ला में एक कहावत है, घान खींचने पे सर भी आता है, उसी की तरह दोस्तों लाइट दिखाने पे ब्राइन श्रिंप आता है, ब्राइन श्रिंप के साथ बेटा फ्राई भी आता है। तो बेटा फ्राई अभी दोस्तों ये सब खा लेगा। अब दोस्तों ज़्यादा ब्राइन श्रिंप कभी भी फीड मत करिएगा, क्योंकि ब्राइन श्रिंप ज़्यादा खिलाओगे तो बेटा फ्राई 2-3 घंटे के अंदर मर जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं शिपमेंट के ऊपर, बहुत सारे लोगों का दोस्तों यही देखने के लिए वीडियो शायद ओपन किए होंगे। तो शिपमेंट देखो दोस्तों हमारे यहाँ पे बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है अभी दोस्तों, अगर भेजूंगा आप लोगों को तो आप लोगों के पास मछलियाँ पूरा ओके पहुँचेगा। और फिलहाल दोस्तों आज संडे है, संडे के दिन ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं फ्राइडे से हमारे यहाँ पे बारिश हो रहा है, मतलब शुक्रवार से, तो उस दिन अगर भेजता दोस्तों आप लोगों को तो संडे का दिन जो है वो बॉक्स पूरा रुक जाता एक जगह पर, तो एक दिन जो है वो मछली को एक्स्ट्रा डालना पड़ता बॉक्स में, इसीलिए मैंने दोस्तों फ्राइडे और सैटरडे को मछली नहीं भेजा, शुक्रवार और शनिवार को मैंने मछली नहीं भेजा। अब दोस्तों आज संडे है, कल दोस्तों मैं बॉक्स लेने के लिए जाने वाला हूँ फैक्ट्री पे, वहाँ पे दोस्तों बॉक्स लाने के बाद आप लोगों को मंगलवार को मतलब 27 तारीख, शायद से आज दोस्तों 25 तारीख है, कल 26 तारीख है, 27 तारीख को मतलब मंगलवार को आप लोगों को मछली जो है वो मैं भेजना चालू करूँगा। मैं सोमवार को ही मछली भेज देता दोस्तों, क्योंकि कल मेरे को बॉक्स भी लेने के लिए जाना है, ऊपर से दोस्तों मैंने जैसा बोला दोस्तों डम्बो यार जो प्लेटिनम गप्पी है वो भी एक फार्म से मैं लेने जाने वाला हूँ, और वहाँ पे दोस्तों साथ से फुल वाइट जो गप्पी है अल्बाइनो फुल वाइट वो भी मेरे को मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से गप्पी मैं ला पाता हूँ। हमारे यहाँ पे दोस्तों आसपास में बहुत सारा फार्मर है, मगर वो सब लोकल गप्पी करता है, थोड़ा सा दोस्तों दूर दूर पे मेरे को घूमना पड़ रहा है अभी, तो 25 वैरायटी का गप्पी मेरे को जुगाड़ करने में बहुत मेहनत लगेगा, एक साल लग जाएगा दोस्तों पूरा इम्पोर्टेड वैरायटी का 25 गप्पी वैरायटी मेरे को जुगाड़ करने में, मगर कोई ना भाई आप लोगों के लिए सब कुछ कर लूँगा। तो ये सब गप्पी दोस्तों मेरे को जब खरीद रहा हूँ बहुत महंगा मिल रहा है, कितना महंगा मिल रहा है दोस्तों वो सब तो मेरे ब्लॉग चैनल पे बताऊंगा, इस वीडियो पे ज़्यादा प्राइस के बारे में बताऊंगा नहीं, आप लोग जाके ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो पहले भाई, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो देख रहा हूँ मैं, क्योंकि 95% लोग जो है वो बिना सब्सक्राइब करके वीडियो को देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 5% बंदे जो है वो सब्सक्राइब करके देख रहे हो, YouTube स्टूडियो से सब कुछ हम लोगों को दिखाई देता है, तो समझ लो कि 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 100 बंदा लाइक किए मतलब सब्सक्राइब किए हो, बाकी सारे बंदे वीडियो को देख रहे हो, तो भाई सीख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो सब्सक्राइब करने पे किया जाता है भाई, सब्सक्राइब करोगे तो फ़ायदा आप ही को होगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, इस वीडियो में ज़्यादा दोस्तों कमेंट करने के लिए बताया नहीं, मैं भूल गया था, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में एल्बाइनो फुल रेड गप्पी लिख दो, ठीक है, एल्बाइनो फुल रेड गप्पी जो भी जिसका फेवरेट गप्पी है वो लिख दो, माई फेवरेट गप्पी एल्बाइनो फुल रेड, किसी को अगर प्लैटिनम गप्पी पसंद है तो लिख देना माई फेवरेट गप्पी प्लैटिनम रेड टेल डम्बो यार, ऐसा लिख देना। तो यही दोस्तों आज की वीडियो में कमेंट करने का टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते हो पूछते हो कि दादा आज की इस वीडियो में आपने कुछ कमेंट करने के लिए नहीं बोला, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को जैसे कि बोल दिया कि जिसका जो गप्पी फेवरेट है वो सब कमेंट सेक्शन पे लिख दो, मेरा दोस्तों कौन सा गप्पी फेवरेट है बहुत सारे लोग पूछोगे, तो मेरे को भाई देखो मेरे को मेनली क्रॉस ब्रीडिंग का गप्पी पसंद होता है, जो रिबन गप्पी होता है ना नीचे का जो फिन है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, कोई भी वैरायटी का रिबन गप्पी मेरे को पसंद होता है, ठीक है। बेटा फिश में जैसे कि दोस्तों मेरे को डम्बो यार वैरायटी बहुत अच्छा लगता है, सेम तरीके से दोस्तों मेरे को गप्पी में रिबन वैरायटी बहुत पसंद होता है, क्योंकि रिबन गप्पी में डम्बो यार जो है वो ऑटोमेटिकली आता है और नीचे का जो फिन है वो भी लंबा होता है, तो मेरा फेवरेट गप्पी जो है वो रिबन गप्पी है। आप लोगों को कौन सा फेवरेट गप्पी है ज़रूर से कॉमेंट करना। फिलहाल वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अरे भाई खत्म हो गया वीडियो, इतना एंड तक क्यों देख रहे हो।